तो दोस्तों आप देख सकते हो ये आईफोन का एक मदरबोर्ड है। तो इस वीडियो में मैं आपको आईफोन की मदरबोर्ड में जो आईसी लगी होती है उसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों किसी भी आईफोन में बहुत ही पतला और छोटा मदरबोर्ड रखा गया होता है इसी तरह से। दोस्तों इसमें प्रोसेसर, आईसी और जितने भी और पार्ट्स लगे होते हैं तो उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों फ्री में मोबाइल एवं लैपटॉप इंजीनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों मेरा नाम है साहिल यादव और आप देख रहे हैं रिप्टोनिक्स चैनल। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा सा एप्पल का लोगो और इसमें A6 लिखा हुआ है। तो ये है आईफोन का प्रोसेसर। तो दोस्तों आईफोन का प्रोसेसर को पहचानने के लिए आप देख सकते हो इसमें A6 प्रोसेसर लगा हुआ है। अभी A10 प्रोसेसर चल रहा है, तो जो अभी नए आईफोन 8 आने वाले हैं उसमें A11 प्रोसेसर लगने वाला है, लेकिन ये आईफोन 5 है तो इसमें A6 प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये एप्पल का प्रोसेसर है। तो दोस्तों इस प्रोसेसर के जस्ट बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और बड़ा सा आईसी लगा हुआ है जिसमें हाइनिक्स लिखा हुआ है। हाइनिक्स मतलब एक कंपनी का नाम है, जिस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हाइनिक्स कंपनी है। हाइनिक्स स्पेशली मेमोरी मैन्युफैक्चर करता है, हाई क्वालिटी का जो मेमोरी होता है वो हाइनिक्स कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। तो दोस्तों आप अपने पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर में देखोगे तो वहाँ पे जो रैम लगा होता है उसमें भी इसी तरह का यही नाम लिखा होता है, हाइनिक्स। तो हाइनिक्स का एक कंपनी है जो मेमोरी मैन्युफैक्चर, हाई स्पीड मेमोरी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो एप्पल क्या करता है, हाइनिक्स से अपना मेमोरी चिप खरीद के अपने बोर्ड में रखता है। तो ये एप्पल का प्रोसेसर हो गया और ये जो मेमोरी यूज करता है एप्पल वो हाइनिक्स कंपनी का होता है। तो एप्पल का अपना मदरबोर्ड है, अपना डिजाइन है, लेकिन जितने भी आईसी चिप जितने भी लगता है इसमें वो सब भी डिफरेंट कंपनी से परचेज करके इसमें लगाता है। तो एप्पल का सब कुछ अपना नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेमोरी और प्रोसेसर के बाद मैं आपको पावर आईसी किस तरह से आइडेंटिफाई करना है इसकी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो पावर आईसी किसी भी मोबाइल की बोर्ड में आपको पावर आईसी पहचानना सबसे आसान होता है, क्योंकि पावर आईसी के सराउंडिंग बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे आप देख सकते हो इसमें भी एप्पल का लोगो है, यानी कि एप्पल का अपना ही पावर आईसी है। और इसके अगल बगल में आप देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे क्वाइल, बहुत सारे कैपेसिटर्स इस तरह से लगे होते हैं। ये जो सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट वाले जो आईसी होता है उसे पावर आईसी बोला जाता है। तो ये पावर आईसी है जिसके सराउंडिंग में आप बहुत सारे कंपोनेंट्स इस तरह से देख सकते हो। आप देख सकते हो एक और सेक्शन यहाँ पे बनाया गया है, एक अलग सा ही सेक्शन यहाँ पे आप बना हुआ देख सकते हो। यहाँ पे ये छोटा सा सेक्शन लगभग इसमें बहुत सारे आईसी इसमें लगा हुआ है। तो ये जो सेक्शन है वो नेटवर्क सेक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों इस सेक्शन का जो मेन काम होता है वो नेटवर्क का कंट्रोल करने का होता है। तो दोस्तों आईफोन का जो नेटवर्क कंट्रोलिंग का काम होता है वो इस सेक्शन से किया जाता है। और इसमें बहुत सारे RFIC, PFO और एंटीना स्विच और भी बहुत सारे आईसी, और उसके अलावा इसमें ब्लूटूथ आईसी, वाईफाई आईसी, इस तरह से आईसी भी लगा हुआ है। तो नेटवर्क सेक्शन या वायरलेस सेक्शन, जितने वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जितने भी आईसी जरूरी है वो सभी को इस तरह से एक जगह पे बना के रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एंटीना के लिए जो भी जितने भी एंटीना का जो एक्सटर्नल सॉकेट होता है या इसको एंटीना सॉकेट भी बोला जाता है, तो जितना एंटीना सॉकेट का जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे बनाया गया है। तो इससे भी आप पहचान कर सकते हो कि नेटवर्क सेक्शन आपका कहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी एप्पल मोबाइल का जो आईसी होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो जो पावर आईसी होता है और जो मेमोरी होता है और जो नेटवर्क आईसी होता है, वो सभी का पहचान आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल में यूज होने वाली जो जितने भी आईसी है उसके अलावा और बहुत सारी कंपोनेंट लगे होती है, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, क्वाइल, वो सभी मोबाइल के लिए कॉमन होता है, वो चाहे आईफोन हो, चाहे सैमसंग हो या चाइनीज मोबाइल हो। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, वो सभी में कॉमन होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगने वाली कंपोनेंट का पहचान करना आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें जो थोड़ा मुश्किल है वो आपको आईसी का आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है। तो मैंने आपको जनरल आइडिया एक बता दी। तो दोस्तों इस तरह से आप एप्पल की मदरबोर्ड में लगने वाले आईसी का आप पहचान कर सकते हो।